जैसा कि आप जानते हैं कि थाईलैंड के बाद अब ट्रेंडिंग में आ रहा है वियतनाम। वियतनाम इतना ट्रेंडिंग में क्यों आ रहा है इंडियन ट्रेवलर्स के लिए, इसका क्या कारण है? इसका पहला कारण, सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की खूबसूरती इतना खूबसूरत है। यह थाईलैंड भी सुंदर है लेकिन यहाँ काफ़ी सस्ता है, और जो थाईलैंड की गंदगी यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, तो आप काफ़ी सेफ है यह एरिया, और यहाँ पर करेंसी बहुत सस्ती है। अगर आप एक रुपये यहाँ देते हैं इंडियन रुपीज के, 300 डोंग वियतनामी डोंग्स हो जाते हैं, तो करीब आप जब 1 लाख रुपए लेके जाएंगे तो वहाँ आपके 30 मिलियन वियतनामी डोंग्स बन जाते हैं। तो करीब आप 50,000 रुपये में पूरा देश घूम के आ सकते हैं इजीली। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लग्जरियस स्टे कर सकते हैं। तो अब वियतनाम का ट्रिप प्लान करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वियतनाम जाने के लिए ई वीज़ा की ज़रूरत है। हालांकि एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ई वीज़ा ख़त्म करके वीज़ा भी थाईलैंड की तरह हो सकता है, लेकिन अभी ई वीज़ा है यहाँ पर, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक फ़ोटो चाहिए अपना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, और अपने पासपोर्ट का आपको फ्रंट पेज अपलोड करना, बस यही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी कम से कम 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, और आपको अपना होटल की, एक होटल की जहाँ आप सबसे पहले जाएंगे उसके होटल की बुकिंग पहले से करा लें, क्योंकि उसका नाम आपको एंट्री पॉइंट पे देना होता है ई वीज़ा में, और आपको अपना एंट्री डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का नाम और एग्जिट डेस्टिनेशन एयरपोर्ट का नाम देना होगा। आप एंट्री पॉइंट को तो आपको सही देना ही है, एग्जिट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इमिग्रेशन कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है, ईजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका ई वीज़ा का। अब आपकी फ़्लाइट टिकट, फ्लाइट टिकट आपको 12 से 15 हज़ार के बीच में वन साइड और करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में बहुत साइड आपको आराम से मिल जाती है। तो यहाँ की जो एक एयरलाइंस है वीजेट एयरलाइंस, क्योंकि इकोनॉमी एयरलाइंस है, थोड़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता लोगों का इसमें, हम गए थे लेकिन सही था, हमने प्रीमियम सीट बुक कराई थी और फ्लाइट विंडो टिकट और खाना अलग से बुक कराया था। और एक वियतनाम एयरलाइंस है, एक अच्छी एयरलाइंस है, प्रीमियम एयरलाइंस है, और आप गो इंडिगो की भी फ्लाइट बुक करा सकते हैं क्योंकि कोलकाता होके रुक के जाती है। तो ये तो होगी फ्लाइट की बात। अब फ्लाइट पर से आप एयरपोर्ट से जैसे सिटी में जाएंगे तो आप या तो पैकेज करा लेते हैं कोई किसी कंपनी से, तो वो महंगा पड़ता है। तो आपको ग्रेव ऐप डाउनलोड करना है, तो ग्रेव ऐप में आप अपना क्रेडिट कार्ड भी लगा सकते हैं, तो जिससे आपको बार बार पेमेंट करने के लिए करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो करीब आप एक सिटी में एयरपोर्ट से सिटी में करीब 600-700 रुपये में करीब आप इंडियन करेंसी में पहुँच जाते हैं, और इंटर सिटी में ट्रैवल करने के लिए, विद इन सिटीज ट्रैवल करने के लिए करीब 200-500 रुपये के बीच में इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक आप जा सकते हैं। आप ग्रे बाइक का भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपनी बाइक भी हायर कर सकते हैं, कार भी हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर, वरना आपको कभी भी पुलिस वाला रोक कर आपसे रिश्वत ड्राइव मर ले सकता है, 500 रुपये ले लेगा इंडियन करेंसी में। अब दूसरा आता है वहाँ का खाना। इंडियन खाना सब जगह मिल जाता है, आपको ऑनलाइन सर्च करना है। हमने हो ची मिन्ह सिटी में गुजराती फूड और फूको आइलैंड में महाराजा फूड, काफ़ी अच्छा खाना था। खाने की कॉस्ट एक पर्सन ही करीब 1 बार में 500 रुपये के आसपास आती है, तो काफ़ी सस्ता है, मिल जाता है इजीली 500 रुपये में पर पर्सन आप खा सकते हैं। तीसरा आता है आपका होटल, तो आप वहाँ होटल में रुक सकते हैं, होम स्टे रुक सकते हैं और हॉस्टल में रुक सकते हैं। तो आप सोलो ट्रेवलर्स हैं तो आप उसमें हॉस्टल में रुक सकते हैं, जो कि आपको 300 से 500 रुपये के बीच में मिल जाता है, और 700-800 रुपये में तो आपको प्रीमियम हॉस्टल मिल जाएंगे। और होम स्टे में भी रुक सकते हैं, आप फैमिली में हैं तो आप जैसे 4 लोग हैं तो एक 2 BHK का फ्लैट वगैरह मिल जाता है ऑनलाइन, मेक माई ट्रिप वगैरह पर भी मिल जाता है। हम रुके थे रिवर साइड अपार्टमेंट पर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रीमियम अपार्टमेंट था, बहुत सारी फैसिलिटी थी, एक एक किचन के बर्तन, और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था, तो उस पर हम रुके थे, स्विमिंग पूल की सुविधा और सारी सुविधाएँ थी। इसमें फ्लाइट में अपार्टमेंट में रुकने का फ़ायदा ये रहता है कि आप अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दूध चाय आप जब चाहें बना सकते हैं, उसी में नीचे स्टोर होते हैं अपार्टमेंट के नीचे, तो सारा डेली नीड्स का सामान मिल जाता है।
अब होटल में रुकने पर आपको एक एक चीज़ ऑर्डर करनी पड़ती है और थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, और कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो फायर अलार्म बज सकता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो होम स्टे एक बेस्ट ऑप्शन है, और अगर होटल में रुकना चाहें तो होटल भी वहाँ 2,000 से लेकर 5,000 के बीच में, करीब 4,000 रुपये में प्रीमियम होटल मिल जाते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। तो होटल करीब आपको 2,000 रुपये पर पर्सन पड़ता है, होम स्टे करीब 1,000 रुपये पर पर्सन पड़ता है, और हॉस्टल करीब 500 रुपये पर पर्सन में पड़ जाता है। तो ये थी वियतनाम जाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वीडियो, इसकी डिटेल वीडियो कि हो ची मिन्ह सिटी में कहाँ जा सकते हैं, फूक आइलैंड में कहाँ जा सकते हैं, उसकी मैं जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा डिटेल में। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।